नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि कैसे हम बहुत कम दाम में दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपना प्लॉट बहुत ही कम दाम में प्राप्त कर लेंगे, साथ ही उसे रजिस्टर्ड भी करा पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेगुलर कॉलोनी में प्लॉट होता है। ठीक है, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, आपको साफ बता दूं मैं, बस वो ये बताएंगे कि ये है वो है, दुनिया भर की बातें आपको इधर उधर से घुमाएंगे, लेकिन सही तरीका क्या है कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। दोस्तों देखिए, जब कभी भी आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी हो तो हमारे पास कई तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक तो वो कि आप बहुत ही अच्छी पॉश कॉलोनी में जो है कि अपना प्लॉट ख़रीदें, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और इतनी ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो पुअर फैमिली है उनके लिए शहर में रहकर एक अच्छा चाहे छोटा सा भी घर बनाना या प्लॉट ख़रीदना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप कम पैसे में आप एक अच्छा प्लॉट भी ले पाएंगे और उसके साथ ही उसे रेगुलराइज यानी कि जैसे पॉश कॉलोनी में होता है जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं आपको इन छोटी कॉलोनी में भी मिल जाएगी। तो कौन कौन सी जगह है या फिर वो कौन से ऐसे प्लॉट हैं जो आपको ख़रीदने चाहिए जिसमें आपके जो प्राइस है जो पैसे लगेंगे वो कम लगेंगे और आप उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी जब घर खरीदें तो दिल्ली में बहुत सारी लगभग 1700 से ज़्यादा अनऑथराइज कॉलोनी हैं और आप जानते होंगे कि अभी का जो टाइम है क्योंकि केंद्र सरकार ने कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यहाँ तक कि कई लोगों की रजिस्ट्री मिल भी चुकी है। तो इससे ये एक चीज़ आपके सामने आ जाती है कि आप जो प्लॉट ख़रीद रहे हैं उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं और रेगुलराइज कॉलोनी में जैसे प्लॉट की वैल्यू होती है ठीक वैसे ही वैल्यू आपको जो है कि आपके इस प्लॉट को देखिए, आपने अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में सुना ही होगा और मुझे पता है कि अनऑथराइज कॉलोनी बहुत मुद्दा रहा है दो दिल्ली का जो चुनाव हुआ था फिलहाल में उसमें भी, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार चुनाव में उठता था, लेकिन इस बार सरकारों की सक्रियता देखने में आई और इन्होंने 1700 से ज़्यादा अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया। इसका मतलब यह है कि जितने भी लोगों के प्लॉट हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में हैं वो जो है अब रेगुलराइज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, एक होती है रेगुलर कॉलोनी, ठीक है, जो ऑथराइज होती है गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, पार्क की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल की और जो भी मतलब जितनी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं सब आपको मिलती हैं। ठीक वैसे ही फैसिलिटीज़ अब आपको अनऑथराइज कॉलोनी में भी मिलेगी और अब इससे एक चीज़ और बदलती है, वो क्या कि आपने जो प्लॉट ख़रीदा है वो ख़रीदा होगा आपने काफ़ी कम रेट में, क्योंकि अनऑथराइज है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अप्रूव नहीं है, तो सिंपल सी बात है उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है कि जब आप प्लॉट ख़रीदते हैं ऐसी कॉलोनी में जो ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनी है, तो उसके कॉस्ट कम होते हैं, लेकिन जब वो रेगुलराइज हो जाती है तो गवर्नमेंट के सर्किल रेट के अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है। तो ये एक फ़ायदे का सौदा है दिल्ली में ख़ास तौर से। मैं मुंबई या फिर मुंबई की बात करें या फिर हम बात करें अगर मद्रास की, बेंगलोर की, कर्नाटक की, चाहे कहीं की भी बात कर लें, जो बड़े शहर हैं चाहे पटना हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे तिरुवनंतपुरम हो या फिर आपकी मुंबई हो, कोलकाता हो, ठीक है, चाहे जयपुर हो, ऐसे शहरों में क्या है कि अनऑथराइज कॉलोनी है लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं हैं, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली में चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए केंद्र सरकार ने इसको रेगुलराइज कर दिया। अब चाहे उन्होंने कुछ भी किसी भी कारण से किया हो लेकिन 1700 से ज़्यादा जो कॉलोनियाँ हैं उनको ये प्रॉफिट हो गया। अब यह है कि अगर आप इन कॉलोनियों में कहीं भी एक प्लॉट ख़रीद लेते हैं और प्लॉट ख़रीदने के बाद आप जो है इसको रेगुलराइज जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर आप रजिस्टर्ड करा के प्लॉट को जो है कि रजिस्टर्ड करा देते हैं तो आपकी पक्की रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में मिलती है। जैसे आपने गांव में कोई प्लॉट ख़रीदा तो आपको क्या होता है पक्का रजिस्टर मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्री में एंट्री होती है, आपको रजिस्ट्री मिल जाती है आपके प्लॉट की। ठीक वैसे ही अब दिल्ली में भी जो आपके अनऑथराइज प्लॉट हैं जो GPA होता है, GPA मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, खाली आपको एक अधिकार मिला होता है उस लैंड को यूज करने का, ठीक है, तो अब आप उसके मालिक बन जाएंगे और भी परमानेंट मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। तो परमानेंट मालिक बनने से आपको कई प्रॉफिट हो जाते हैं, एक कि आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से लोन ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को कहीं भी जो है कि शो करके उस पर कुछ ना कुछ लोन प्राप्त करके अपना काम कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। और दूसरी बात, सर्किल रेट के अकॉर्डिंग रेट प्राइस तय होगा। सर्किल रेट के अकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की जो फिक्स प्राइस होते हैं पर यार्ड के,
यानी कि जो वर्ग फीट में होती है ना ज़मीन गिनी जाती है, दिल्ली में मुख्य रूप से गज के रूप में गिनी जाती है, यार्ड्स के रूप में गिनी जाती है। तो उस रूप में आपको जो है सर्किल रेट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो फिक्स किया गया होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू जो हो तो मिनिमम हो गया, लेकिन आप जब सेल करते हैं अपने प्लॉट को तो मैक्सिमम प्राइस में सेल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरा जो सुझाव है वो यही है कि आपको अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट लेने चाहिए, लेकिन आपको कुछ ध्यान भी रखना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो हो सकता है आप ठग का शिकार हो जाएं। यहाँ पर इतने सारे डीलर हैं, इतने सारे जो हैं कि एजेंट्स घूम रहे हैं, जो एक नए व्यक्ति को, नए कस्टमर को पकड़ते हैं और उसको ठग देते हैं। कैसे, ये कैसे आपको फ्रॉड करेंगे आपके साथ? आपको प्लॉट दिखाया जाएगा, आपको जो है कि 15-20 कागज़ दिखाए जाएंगे, सब कुछ ओके आपको लगेगा, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आपको कहेगा कि भाई आप जो है, अगर वहाँ पे आपको प्लॉट 10 लाख का मिल रहा है 30 गज का, तो हम आपको जो है कि 8 लाख में दे देंगे। जब आपको ये कम दें तो देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि कम प्राइस में नहीं मिलते, मिलते हैं। अभी आप क्या है कि बरसात का टाइम है, अभी आप जहाँ भी जाएंगे आपको प्लॉट के रेट 50,000, 1 लाख, 2 लाख नीचे ही मिलेंगे। क्यों? यानी गज के हिसाब से अगर देखें तो 1,000-2,000 गज के हिसाब से 1,000-2,000 रुपये कम ही मिलेगा आपको एक गज का, अगर हम देखें तो। बरसात के टाइम में प्लॉट खरीदने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि वाटर लेवल कहाँ कहाँ कैसा है वो आपको पता चल जाता है, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है वाटर स्टैग्नेशन की, यानी कि वाटर लॉगिंग की बहुत प्रॉब्लम है, पानी खड़ा रहता है हर जगह और गंदगी बहुत होती है। तो इन चीज़ों के लिए आपको बरसात में ही घूम के प्लॉट देखना चाहिए, जिससे आपको सही सही चीज़ें, सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी प्लॉट के बारे में कि वहाँ का वाटर लेवल कैसा है। अब मैं आपको बता दूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे प्लॉट देखे, ठीक है, जो 3 लाख की रेंज में भी है, और ऐसा नहीं कि वो मतलब आपको फ्रॉड करके दे रहे, नहीं, जेन्युइन है, सारे कागज़ भी उन्होंने, सब कुछ है, और हमने एक हाथ परचेज भी किए। यहाँ तक कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैंने खुद ये प्लॉट परचेज किया है और ये जो है मैंने अभी बनवाया है, और सारे कागज़ ठीक थे, हर एक चीज़ बढ़िया थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कम रेट में भी दिल्ली में अपना घर प्राप्त कर सकते हैं और बिल्कुल जायज़ तरीके से, और आप इसको रजिस्टर्ड करा दीजिए तो मेरे प्लॉट का सर्वे भी हो गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी कुछ टाइम में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप एक बार रजिस्टर्ड करा लेते हैं प्लॉट तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और आप अपने प्लॉट के ऊपर लोन भी लेकर कोई भी काम कर सकते हैं। तो आपको मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स होंगे जो आपको दिखाऊंगा, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आपको परचेज कर लेनी चाहिए पलक झपकते ही, तो मैं उन पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको प्लॉट दिखा दूंगा, ठीक है। और आप देख लीजिएगा कि आपको जो पसंद आए तो आप जो है कि परचेज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन कौन से प्लॉट कितने रेट में मिल सकते हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे और प्रॉपर्टी के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं संसार में, तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ इसके रिगार्डिंग, तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी इसको जो है कि दिखाएँ, आगे करें, फॉरवर्ड करें और शेयर एंड लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।